हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर वन चैनल स्टडी विथ रिदेश में अब आप में से काफ़ी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन है कि सर बिहार पैरामेडिकल 2022 का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा जी हाँ दोस्तों अब यही प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपकी काउंसलिंग कब से शुरू हो सकती है क्या डेट हो सकती है तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या जिनका रैंक ज़्यादा है उनको कॉलेजेस मिलेगा उनको कोई भी कोर्सेज मिलेगी या नहीं मिलेगी ठीक है तो इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक जरूर देखना है तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात यह आती है कि सर बिहार पैरामेडिकल 2022 का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट्स में एक अपडेट्स आता है आपके डी रिगार्डिंग ही एक अपडेट्स निकाला जाता है लेकिन ये पॉलिटेक्निक वालों का है आप सभी जानते हैं कि डी के अंतर्गत आपके पॉलिटेक्निक आ जाता है पैरामेडिकल आ जाता है पीएमएम आ जाता है है ना साथ में पीपीई आ जाता है ठीक है तो आप लोग जो है ये पीएम वाले स्टूडेंट होंगे काफी बच्चे या पीएमएम वाले स्टूडेंट होंगे तो अब बात ये आती है कि आप लोगों का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नोटिस आता है यानी पॉलीटेक्निक वालों के लिए तो इन इस नोटिस में ये कहा जाता है कि जितने भी पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं तो अब देखिए यहाँ पे किया क्या गया है बोर्ड के द्वारा कि सबसे पहले जी हाँ दोस्तों हर साल की तरह हर साल की तरह पहले पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट का काउंसलिंग होगा है ना पॉली टेक्निक वाले स्टूडेंट का काउंसलिंग ओवर हो जाने के बाद यानी इन लोगों का काउंसलिंग हो जाएगा रिज़ल्ट आ जाएगा डी वगैरह हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों का यानी पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट का होगा ठीक है तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि इनका काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट हो रहा है है ना इनका सीट अलॉटमेंट -ला। लेटर कब आएगा डी के लिए कब जाएंगे उसके बाद ही आप लोगों का जो है गाइज यहाँ पे निकाला जाएगा ठीक है हाँ जी तो देखिए यहाँ पे इस नोटिस को हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर इन लोगों का कब से कब तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी काउंसलिंग की ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोटिस को मैंने डाउनलोड कर लिया है और नोटिस डाउनलोड कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा होगा कि इन लोगों का भाई जो सीट मैट्रिक्स था वो छब्बीस तारीख को पब्लिश कर दिया गया था और स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट ये एक तारीख से स्टार्ट हो जाएगा यानी कल से इनका स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और लास्ट डेट जो है इनका छः तारीख को रखा गया है और फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट लॉटमेंट रिजल्ट यानी इन लोगों का जब रिजल्ट आ जाएगा ना दस तारीख को जी हाँ देख रहे हो दस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद दस से चौदह तारीख के बीच में इनको डी के लिए बुलाया जाएगा अब यहाँ पर कहा जा सकता है कि आप लोगों को भी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना यानी जब तक पॉलीटेक्निक वालों का पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता है सब प्रोसेस तब तक आप लोग का स्टार्ट नहीं होगा तो पॉलिटेक्निक वालों का यहाँ पे देखिए दस तारीख को ना इनका सीट अलॉटमेंट लेटर पब्लिश कर दिया जाएगा ठीक है तो उसके बाद से यानी दस तारीख के बाद से जो है आप लोगों का भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा ऐसी पॉसिबिलिटी है ठीक है क्योंकि बच्चों अभी जो है बी का भी बाकी है है ना उसके बाद में भी हो सके कि आप लोग का हो तो अभी यहाँ पर चांसेस बहुत ही कम है बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि आपका एक से दस तारीख के बीच में हो ठीक है लेकिन दस तारीख के बाद से जो है आई एम श्योर कि आप लोगों का यहाँ पे काउंसलिंग डेट आ जाएगा ठीक है तो आप लोग तब तक क्या कीजिए जिसका भी रैंक अच्छा है है ना आप लोग अपना सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए इसके बाद बात यह आती है कि काफ़ी बच्चों का रैंक ज़्यादा है तो अब ऐसे में उन सभी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए देखिए बहुत सी गर्ल्स लोगों की पहले मैं बात करूँगा बहुत से गर्ल्स लोगों का रैंक यू में किसी का बीस हज़ार है किसी का चालीस हज़ार है किसी का साठ हज़ार है किसी का अस्सी हज़ार है और किसी किसी का तो एक लाख तक भी पार है तो अब ऐसे में आप सबको क्या करना चाहिए क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है ये सवाल आता है तो देखिए दोस्तों यहां पे अभी मैं गर्ल्स लोग की बात कर रहा हूं जिनका रैंक यू में यानी बीस हजार से ज्यादा है समझ में आ रहा है ना बीस हजार से ज्यादा है और तकरीबन ये एक लाख समथिंग है ठीक है तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप लोगों की पॉसिबिलिटी बहुत कम है यानी ना के बराबर है ठीक है तो आप लोग काउंसलिंग ना भी कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है लेकिन जिन भी गर्ल्स लोगों का यू आर में यू आर में अगर आप लोगों का बीस हज़ार के समथिंग है तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग को काउंसलिंग अवश्य करना है ठीक है काउंसलिंग का डेट आने पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप लोग स्वयं काउंसलिंग कर सकते हैं कैसे आपको कोर्स प्रिफरेंस देना है ठीक है देखिए बच्चों काउंसल काउंसलिंग डेट आने पर ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो को अवश्य देखना ठीक है क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको कोर्सेज मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी देखिए बहुत से बच्चे करते क्या है कि रैंक ज़्यादा है यानी उनका रैंक समझ लो दस हज़ार समथिंग है दस हज़ार समथिंग है तो वो क्या करते हैं ना बेस्ट बेस्ट कोर्सेज़ को सेलेक्ट करेंगे लाइक जी एन एम हो गया लैपटॉप हो गया फार्मेसी हो गया तो ऐसे में आपको कोर्स नहीं मिलेगा ठीक है तो आपका जितना रैंक है ना उस हिसाब से आपको कोर्स को प्रेफरेंस देना होगा तो ऐसे में कोर्सेज मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो एक वीडियो भी आएगी तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग उस वीडियो के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़े रहें इस चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लें ठीक है अब देखिए बात यह आती है कि यहाँ पर आ, किन किन बच्चों को काउंसलिंग करना चाहिए तो देखिए यहाँ पे यू आर में अगर आपका गाइज यू आर में देखिए गर्ल्स लोग की मैं बात कर रहा हूँ यू आर में अगर बीस हज़ार रैंक तक है ना तो आप लोग कीजिएगा वैसे तो बीस हज़ार को मिलेगा या ना मिलेगा वो तो बाद की बात है लेकिन हाँ आई एम श्योर कि जिन भी गर्ल्स लोग का यू आर में बारह हज़ार तक रैंक है तेरह हज़ार तक रैंक है लेकिन कैटेगरी में उनका अच्छा रैंक आ जाता है तो मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है देखिए बहुत सी गर्ल्स लोग का यू आर में बीस हज़ार है लेकिन अब वो एस सी में आते हैं तो एस सी में उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रैंक किया है लाइक जैसे 600 सौ तक रैंक है तो ऐसे में इनको ए e कोर्स मिल सकता है ठीक है तो जितने भी गर्ल्स लोग हैं यू में अगर बीस रैंक तक है है ना तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है अगर कैटेगरी में अच्छा रैंक है ना तो आपको कोर्सेज मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है ठीक है तो यूआर में 20,000 रैंक तक है तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग करना चाहिए ठीक है और अगर आपका बीसी में ध्यान से समझना है जिन भी गर्ल्स लोगों का बीसी में अगर पैंसठ रैंक तक है पैंसठ रैंक तक है तो आप लोग यहाँ पे काउंसलिंग आपको करना होगा ठीक है अगर ई में है ना अगर ई में आपका रैंक यहाँ पर पाँच हजार तक है तो आपको काउंसलिंग करना है यदि आपका एस में यहाँ पे ढाई सौ so तक है एस कैटेगरी में तो आपको काउंसलिंग करना होगा ठीक है गाइज अब यहाँ पे एस की बात आती है तो एस में अगर आपका तीन हज़ार तक है एस कैटेगरी में तीन हज़ार रैंक तक है तो यहाँ पे गर्ल्स लोग अपना काउंसलिंग आपको करना होगा आर की बात करें तो आर में अगर आप लोग का सात हज़ार रैंक तक है तो मिलने की पॉसिबिलिटी है आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा ठीक है और ई में ई डब्ल्यू एस में अगर आपका रैंक ई डब्ल्यू एस में अगर आपका रैंक लाइक अट्ठारह सौ के अंतर्गत है तो कीजिएगा आपको इन्हें मिल सकता है ठीक है अब बात करेंगे वैसे कोर्सेज़ की जिन्हें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं यानी स्पेशली बॉयज़ के लिए कि भाई बॉयज़ में कितने रैंक तक वाले बॉयज़ को काउंसलिंग करना चाहिए ठीक है तो देखिए जिन भी बॉयज़ का यू में अगर आठ रैंक तक है तो आप लोग कीजिएगा मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी और एस में यदि आपका रैंक 400 तक है तो आप सभी को करना होगा काउंसलिंग एस में यदि आपका एस कैटेगरी में अगर आपका यहाँ पे 2500 रैंक तक है ठीक है 2500 रैंक तक है 2600 तक है 2700 तक है यानी 2800 लेकर चलो ठीक है यहाँ पे क्योंकि पिछले बार मिला है तो एस कैटेगरी में अट्ठाईस रैंक तक होगा तो आपको काउंसलिंग करना है कोर्सेज मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी ठीक है अब यदि यहाँ पर हाँ जी अब इसके बाद जो है हाँ अब देखिए एस हो गया उसके बाद बी की बात कर लें बी तो बी में जिन भी बॉयज़ लोगों का यहाँ पे 4800 के समथिंग रैंक है 4800 के समथिंग रैंक होगा आप सभी को करना है ई में बात करें कि जिन भी बॉयज़ का ई में ई में अगर 3500 रैंक तक है 3500 3500 रैंक तक है तो आप सभी को यहाँ पे काउंसलिंग करना होगा ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है अब इसके बाद देखिए यानी जितना भी मैं रैंक बताया अगर आप इस रैंक के अंतर्गत आते हो तो आप सभी को काउंसलिंग अवश्य करना चाहिए ठीक है तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि वीडियो अच्छी लगी है इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें